सानू पैसे बाहर से आप नहीं लियानी पैंदी है, वो भी नहीं देंदे भी गवर्नमेंट भी दे चा भी वो भी अहीं आ हार चुग्या कट्ठे करने पैसे सानू आप नहीं लियानी पैंदी है इन्नी कुछ सानू हजा दिती खड़े ने। कवि ते पंजाबी ट्रिब्यून दे संपादक हरभजन हलवारवी लिखते ने कि ऐना चुप भी की रहना तू कह जो कुछ कहना। तेरे अणबोले लफ्जां दी कुछ तो तस्दीक रहे। भारत पाकिस्तान दी वंड तो पहलां दा माहौल जदों बजुर्गों तो पुछदे हैं तो सुन सुन के चा चढ़दा है। वो दसदे ने कि आपसी प्यार ते भाईचारे दियां अनेकां मिसालां जो लाजवाब ने वो इतिहास दा शिंगार ने। समा बदलिया हकूमतां दी भेट चढ़िया ये प्यार अज नफरत बन के रह गया। तारों पार वाला पंजाब ते चढ़दा पंजाब हुण होर हो गया। बेशक अज असी बहुत तरक्की कीती, साढ़े कोल हर प्रकार की सहूलत है। जिंदगी दी भज दौड़ ने सानू जीना सिखा दिता है, पर की कदे तुसी अजिहे लोकां बारे सोचा जिन्हां लई कोठियां कारां सहूलतां सिर्फ एक सुपने की तरह होण। जमीनां दे मालक उधारी जिंदगी जी रहे होण ते बच्चे पढ़न नूं तरसदे होण। ये तस्वीर है पिंड कालूवाला दी। कालूवाला फिरोजपुर वाले पास्यों भारत दा आखरी पिंड है ते पाकिस्तान दे नाल हद लगदी है। एक अजिहा पिंड जो दो पास्यों सतलुज दरिया ते एक पास्यों पाकिस्तान नाल घिरिया होया है। इन्ना ही नहीं, इस पिंड दी पूरी कहानी असी जिवें जिवें तुहाडे नाल सांझी करदे जावांगे तुसी नाल नाल महसूस जरूर करियो कि इन्हां लोकां दा कसूर की है। पिंड च वड़न तो शुरू करदे आं। इस वेले जिस जगह ते असी खड़े हाँ ये भारत का आखिरी पिंड फिरोजपुर वाले पास्यों हुसैनी वाले बॉडर का नाम तुसी सुनिया होगा। हुसैनी वाला बार्डर के बिल्कुल नाल लगता पिंड है टिंडी वाला। टिंडी वाले तो कुछ क दूरी पर जानी सतलुज नूं पार करके पिंड आउंदा है कालूवाला। असी कालूवाला पिंड दे विच जाना है। कालूवाला पिंड की त्रासदी यह है कि दो पासियां तो सतलुज दरिया दे नाल घिरिया होया पिंड है। एक पासे पाकिस्तान लगता है तो इक्को ही रस्ता भारत दे वल आउण वास्ते बचदा है, वो है रस्ता जिथे असी खड़े हाँ। आ रस्ता दिखा दिओ, ये एक वट है जिथों लोग आउंदे जांदे ने। जे किसी नूं सेहत सहूलत की जरूरत पैंदी आ तां इत्थों जिहड़े डॉक्टर ने पिंडां दे डॉक्टर ने इत्थों निकलदे ने और अगे जाके बोट मिलदी है, बोट ते बहिंदे ने फिर क्रॉस करके उस पिंड दे विच जांदे आ। जानी इस पिंड दी त्रासदी इह वी है कि सरकारी सहूलतां बहुत घट मिलदियां। असी लोकां दी जबानी जाणांगे कि उत्थे होर की समस्यावां और सहूलतां की है। सामने तुहानूं दिखाउने आ कि भारत दी चैक पोस्ट भी दिखाई दे रही है, इंडियन आर्मी दी चैक पोस्ट दिखाउण दी कोशिश करांगे असी कि तुहानूं ये समझ आ जाए कि पाकिस्तान इत्थों किन्नी क दूर हो सकता है। उस तो अगे थोड़ी दूरी ते ही अगे जाके पाकिस्तान दी चैक पोस्ट, असी कोशिश करांगे पिंड दे विच जाके कुछ चीज़ां जो पाकिस्तान दियां दिखदियां ने वो तुहानूं दिखाइए समझाइए, क्योंकि बहुत वड्डी दुख दी गल है कि जिन्हें भी पिंड पाकिस्तान दे बॉर्डर दे नाल लगते हैं उन्हां च सरकारी सहूलतां बहुत घट पहुँचदियाँ। सरकारी सहूलतां दे नां ते सिर्फ चर्चावां तुसी सुणदे हो पर उत्थे सहूलतां नहीं पहुँचदियाँ। ये लोकां दी मजबूरी है कि उन्हां नूं उन्हां पिंडां दे विच रहना पैना, क्योंकि उन्हां पिंडां दे विच थोड़ी बहुती जायदाद है
और उन्हां दा जीवन बसर है जिहड़ा उह इसे तरीके दे नाल ही हुंदा है। ये पिंड की तस्वीर तुहानूं जिहड़ी असीं दिखा रहे हैं टिंडी वाला पिंड है और लास्ट पिंड। इस तों अगे तुसीं सिर्फ पैदल जा सकते हो जां तुहाडे कोले कोई दो पहिया वाहन है तां तुसीं इत्थों लंघ के अगे फिर तुहानूं बोट मिलेगी कश्ती मिलेगी फिर तुसीं किश्ती ते जा सकते हो। तां चलदे हां उस पिंड च नाल नाल तुहानूं असीं रस्ता भी दिखावांगे। एक पगडंडी ही इन्हां लोकां लई नैशनल हाईवे दा काम करदी है। टिंडी वाले तो असी बेड़ी विच बैठ के सतलुज पार कीता। ते कालू वाला च दाखल होए। एक कच्चा रस्ता सी जो मीह पैण मगरों काफ़ी खराब सी। ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਹੋਣਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਵੱਡੇ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ। ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਫੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਝੂਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਡੀ ਦੂਰੋਂ ਆ, 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਜਿੱਥੋਂ ਲੋਕ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਗੇ ਬੇੜੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਗਾਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲਾਂ 'ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੱਥ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਪਰ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ। ਲੋਕ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮਤਲਬ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਡਾਕਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ RMP ਡਾਕਟਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬ ਹੋਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਝੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕਰਾਰੀ ਚਪੇੜ ਵੱਜ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਝੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤਿੱਖੜ ਦੁਪਹਿਰ 'ਚ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਇਉਂ ਦੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਸੁਣਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਔਖੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ, ਦਾਣੇ ਅਨਾਜ ਢੋਵਣ ਨੂੰ ਔਖੇ ਬੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਪੁਲ ਪੁਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਆਹਦਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਦਾਣਾ ਫੱਕਾ ਹੌਕਾ ਟਪਾ ਲਈਏ ਅਤੇ ਔਖੇ ਬੜੇ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਪਾਰ ਦਾਣੇ ਠੁੱਕਣ, ਬੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਢੋਵੀ ਦਾ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਲਿਜਾਵੀ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਹ ਨੇ ਨੇੜੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਠਹਿਰ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਵਿੱਚ ਦੋ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਸਾਡਾ ਕਾਲੂ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਖੇ ਵਾਲੇ ਹੈ ਨਾ। ਸਕੂਲ ਸਕਾਲ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ, ਸਕੂਲ ਜਾਂ ਹੋਸਪਿਟਲ ਹੈਗਾ ਪੱਕਾ ਬਣਾ ਵਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪੱਕਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਔਖਾ, ਟੀਚਰ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਬੇੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬੇੜੀ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਵਾ ਇਹੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਵੀ ਔਖੇ ਬੜੇ ਹੈ ਲਾਂਘੇ ਟਾ। ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਇੱਥੇ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੀਡਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦਾ ਸੋ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਵਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚਿਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਾ, ਅੱਗੇ ਦੋ ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਡੋਬਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਕਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਫਸਲ ਮਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਆ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਆਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਝੋਨੇ ਚਾਨੇ ਦੀ ਅਤੇ ਆਹਦੀ ਫਸਲ ਆਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪਵੀਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕ ਖਵਾ ਪਵੀਦਾ। ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਿੱਕੜ ਖੋਬਾ ਬੜਾ ਹੈ, ਔਖੇ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੋਰ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀਦਾ, ਆਪਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਕਰੀਦਾ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਆਹਦਾ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਆ ਕਰਨ ਜੋਗੇ। ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ? ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੱਚੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਹੀ ਨੇ।
कौन खरीददा इत्थे दरियावां दे विच जिहड़े काबू आए पहुंची आए पर उत्तू बंदा कोई आंदा है दरियावां दे विच और तो कोई आ नहीं सकदा जिहड़े बैठे ओहो ही बैठे है तारों पार भी कोई जमीन है किसी हां तारों पार हैगी है नाल नाल अपने बार्डर दे हां तुहाडी भी हैगी है कोई नहीं अपनी नहीं है बजुर्ग ने दस्या कि पिंड विच एक स्कूल है जिन्हों सरकार समार्ट स्कूल कहती है पर इस पिंड विच अध्यापक आउणों डरदे ने क्योंकि एक तो सतलुज पार करना पैंदा ते दूजा पाकिस्तान नाल लगदा है सामने पाकिस्तान दी तार ते चैक पोस्टां दूरों डराउंदियां ने बजुर्ग साढ़े नाल गल्लां करदा पूरे पिंड च गया रस्ते च जांदियां एक मोटरसाइकल ते तीन बच्चे बिठाई एक व्यक्ति मिलिया पहला तो आम जिही गलबात होई पर बाद विच उन्हें मैनू कुछ दस्तावेज दिखाए जो बड़े हैरान करने वाले सी सेवा विखे मानयोग डिप्टी कमिश्नर साहब जी फिरोजपुर पिंड कालूवाला विखे सरकारी डिस्पेंसरी की सहायता लैण बारे अते पिंड की सड़क जो कच्ची बनी उन्हों पक्की करने बारे श्रीमान जी बेनती है कि असी ग्राम पंचायत पिंड कालूवाला तहसील वाजला फिरोजपुर के निवासी हाँ ये कि साडा पिंड शहर तो करीब 13 किलोमीटर की दूरी पर है दरिया तो पार पैंदा है जिस करके किश्ती पार करके आना पैंदा है साडे पिंड विच कोई सरकारी डॉक्टर जां डिस्पेंसरी नहीं है तो मरीज़ नूं शहर ले जाण वास्ते काफ़ी समा लगता है जिस नाल किसी भी जानी नुकसान होण दा खतरा रहिंदा है सानूं इह सरकारी डिस्पेंसरी दी सरकारी सहूलत दित्ती जावे अते पिंड दी सड़क पक्कियां इट्टां लगाईयां जाण अते अद्धी कच्ची है इस नूं भी पक्का कीता जावे पिंड वासी कालूवाला इस पिंड वासियां वल्लों आ भरा कोले सीगी ते जानी हाले तक एक सरकारी डिस्पेंसरी लैण दे वास्ते आ अर्जियां चल रही हाले तक अर्जियां चल रही और डिप्टी कमिश्नर साहब नूं देना बहुत सारे वादे कर दियां दावे कर दियां साडियां सरकारां पर आ भी तां साडे देश दा ही पिंड आ ना साडे पंजाब दा ही पिंड आ ना फिर इधर भी तां ध्यान देना पैंदा ठीक है ये तुहाडी जिहड़ी इहो ही है ये कॉपी उहदी पीण वाले पानी लई आरओ अते पिंड तो शहर नूं आउण लई पुल दी सहायता लैण बारे ये मतलब जिहड़ी चीज़ असीं तुहानूं पहलां ही दिखा रहे हैं हाले तक सिर्फ अर्जियां दित्तियां जा रही कि सानूं ये चीज़ां दे दिओ असीं बहुत औखे हाँ हुण पंजाब सरकार बहुत चिर दी वादे करदी है कि असीं समार्ट स्कूल बनाते असीं पिंडां दे विच बहुत सहूलतां देतियां पर आ जिहड़ा पिंड आ ये भी पंजाब दा ही पिंड आ इहदे वल भी ध्यान देना बणदा ठीक है तुहाडी ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਲੀਗਲ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਔਰ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਇਹ ਕਾਲੂਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਿੰਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਕਾਫੀ ਸੀ ਪਰ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕਹਿਰ ਐਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਇਹ ਬੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਤਲਬ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਟਾਣੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਤੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਗਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਲੁੜ ਗਿਆ ਹਾਂ ਲੁੜ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਪੋ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਆਪੋ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੇ ਘਰ ਪਾਇਆ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ ਮਤਲਬ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਅੱਟ ਰੋੜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾ ਸਾਰਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੁੜ ਗਿਆ ਇਹ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਚੱਲਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਬੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ
पर सच्चाई कुछ होर है। ये दूजी तस्वीर राही दिखाई दे रही हरियाई ते काई इस गल का सबूत है कि लोग किन्ना दूषित पानी पी रहे ने। इस चो बच्चे दियां कंधां लाल ने जो आम तौर पर अजिहां नहीं हुंदियां। पंजाब दे नवें बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी राह जांदे रईयां नूं जरूर मिल रहे ने। अचानक मिले नवें व्याहे जोड़े नूं शगन भी दे रहे ने। असीं अपील करदे हां कि मुख्यमंत्री साहब इस पिंड वल भी गेड़ा जरूर मारियो। इस पिंड दा एक अजिहा घर जो कुछ समा पहलां लगभग 5 एकड़ जमीन का मालक सी पर हुण करीब कनाल क जगह विच सिमट के रह गया। दरअसल पिंड दे दूजे पासे लगदा सतलुज दरिया हौली हौली सब कुछ अपने विच मिला रहा है ते इस परिवार की जमीन भी सतलुज रोड़ के लै गया जां ये कह लईए कि दरिया ने जमीन ते कब्जा कर लिया। ये सतलुज दरिया का ये दूजा पासा जिवें तुहानू दस्सिया सी कि दो दरिया के विचाले वसिया पिंड है। दो पासे तो दरिया और एक पासे पाकिस्तान, इधरों पाकिस्तान लगता और जिस रस्त्यों असी बाहर आए हाँ असी इस पिंड के अंदर एंटर होए हैं उतों ही एक रस्ता है जिहड़ा इस पिंड दे विच आउंदा है और एक बेड़ी कोशिश करदे हां तुहानू दिखाउण दी। देखो एक बेड़ी होर जा रही है इधरों फिर पिंडां विच दी होके न्याले वाला खलचियाँ, हाँ न्याले वाला खलचियाँ पिंड है उधर पहुँचते हैं उदू गांह फिर अगले शहर जानी फिरोजपुर वाले पासे नू जाते हैं। इसे दी गल कर रहे सी भाई साहब अगे कि जेकर कोई बीमार होंदा जां सीरीयस बीमारी होंदी है एमरजेंसी दे विच ले जाना पैंदा तो इसे रास्ते हो फिर दूजे पासे जो तुहानू अगले दरख्त रुख दिखदे होणगे वह पाकिस्तान दे आ। हुण जिस जगह ते असी खड़े हाँ ये जानी बड़ी चिंता वाली गल जिहड़ी सांझी करनी है तुहाडे नाल कि आ जगह जिथे असी इस वेले खड़े हाँ ये लगभग 4 तो 5 एकड़ जमीन सी एक किसान दी जिहदे खेत च असी खड़े हाँ और दूजे पासे उहदा घर भी है और आ घर है उस किसान दा और मेरे नाल भी खड़े ने इधर बाबा जी इन्हां दी इह जगह सी और इन्हां दी जमीन जिहड़ी 4-5 एकड़ सी अज उह जानी 10-12 मरले रह गई वध तो वध घर दा विच पा के एक कनाल जगह हो गई सारी दी सारी इस दरिया दे विच चली गई। दरिया ने अपना रस्ता बनाया और ये सारी दी सारी जमीन जिहड़ी है उहदे उपरों इस वेले दरिया चल रहा और इत्थों वाही करके अपने घर दा गुजारा करदे सी इस वेले खत्म हो चुकी है सारी दी सारी जमीन और आ कुशक जिहड़ा हैगी आ जगह ये बची आ। इत्थे की बीजा तुसीं? मेथरा बीजा बस आही जगह बची तुहाडी? अच्छा ये किस तरह के नाल होया सीगा सारा कुछ दसोंगे भी जमीन ये विच आ गई? ये जी पहले छोटा जिहा दरिया ही अपने 2006 दे विच छोटा जिहा दरिया ही ते फिर उदू बाद हौले हौले दरिया कट्टी गया ही पिंड उत्थे हैगा ही कालू वाला बड़ा तगड़ा ही पिंड वो फिर ढाह विच आ गया फिर अहीं आप तो निकल आप दे पैड़ियां च आ गए ते दरिया जिहड़ा वह सारा डेगल गया फिर उत्थों आपो आदि पैड़ियां दे विच आ गए ते जिहड़ा दरिया ही अगां गई चला आया हुण आ गया घट तो घट 10 किले डेग ते अगे आ गया हुण ये रह गईयां टाणियां थोड़ियां ही बाकी कोई पिछा चला गया कोई रिश्तेदारां ते चला गया ते बाकी दे कोई बैठे ने 30-35 घर गए ने 40 इत्थे। वैसे किन्ने जो पहला पिंड सीगा उदों किन्ने घर सी उहदे? 60-65 घर है। अच्छा ते बाकी दे 30-35 घर ने जिहड़े छड्ड के चले? हां छड्ड के कोई पाने वाले चले गए कोई इधर न्याले वाले चले गए। जमीना जमुना तो फिर दरिया च आ गई फिर उन्होंने कमाई का साधन इन्हों की पैड़ी नहीं ही हलू फिर चले गए पिछा जिमें पाने वाला हो गया जिमें अपने न्याले वाला हो गया इवें पिछा चले गए तो अही बिच कोई बैठे हैं 35-40 घर अजे बैठे हैं तो बाकी अजे भी जमीना करके जमीना इतने है फिर गुजारा नहीं ना चलता जिमें माल डंगर 4-5 मझा जिमें रखी हुई ने
भी उधर पट्ठा पहाड़ जाना बड़ा औखा है, भी आप ही बेड़ी तो महे शहर जाना हो तो लंघी दे, तो पट्ठा जाना हो तो फिर तो बड़ी मुश्किल वाली गल है। इस करते भी सानू पक्की पुल हो जाए तो सानू कोई जिंदगी सौखी हो जाए, नहीं तो फिर बेड़िया वाला तो फिर अपन पता ही है भी बेड़ी बेरी कई बार हो जाता ऐसा भी डुब जाते हैं, बेड़ी डुब जाती कई बार, ट्रैक्टर भी डुब जाते हैं कई बार, इतने नुकसान बड़े होंगे ने। अच्छा उधरों कोई खतरा तो नहीं रहिंदा तुहानू पाकिस्तान वाले पासों कोई खतरा? पाकिस्तान वाले इधरों ही अपने इधरों फिरोजपुर वाले आते ने भी पिछे निकल आओ, डीसी हो गया जा अपने पटवारी साहब हो गए सारे ही आंदे ने भी पीछे आ जाओ जिवें इधर छड्ड दिओ तुसीं एरिया, हां छड्ड दिओ ते अहीं फिर जा नहीं सकने पिछा, ना कोई थां देंदा है ते ना कोई बहन दा जुगाड़ कोई माड़ा मोटा। हुण मिलाउंदे हां उस किरदार नूं जो तुहानूं शुरू विच दिखाया सी, इह सी पिंड कालू वाले दी इक बेबे हसमुख सुभा दी मालक। इस घर विच इस बेबे तो इलावा दो होर नौजवान भी सी, एक जो पढ़ना चाहुंदा सी पर समस्यावां दे चलदिआं पढ़ ना सकिआ, ते दूजा दुख सुख चलदा होया 12वीं जरूर पास कर गया सी पर अगे पढ़न लई हाले दुचित्ती सी। इह पिंड दे विच घर ने जिहड़े ओ काफ़ी दूर दूर ते आ, जिवें पहलां भी दस्सिआ सानू कि पिंड इक थां बज्जिआ सी और वो दरिया रोड़ के लै गया, तो लोग अपना जिन्ना क समान चक सके जां जो कुछ भी लिया सके वो अपने अपने खेतां दे विच बैठ गए और दूर दूर ते घर ने, तो असीं कोशिश कर रहे हैं कि घरां दे विच पहुंचिए उत्थे परिवारक मैंबरां दे नाल गलबात करिए क्योंकि इत्थों दा दर्द समझा जा रहा है। हालांकि बाकी पिंडां दी जेकर गल करिए तां काफ़ी सहूलतां मिलदियां हैं, बहुत कुछ पहुँचता है सरकारां वल्लों भी, गाहे बगाहे कितें ना कितें उन्हां दीआं सड़कां ही पक्कियां हो जांदियां, कितें उन्हां दीआं पानी दा निकास जिहड़ा हो जांदा है, होर भी कई चीज़ां जिहड़ियां ने वो जानी सिक्ख्या ते सेहत नूं लै के थोड़ियां बहुतियां सहूलतां जिहड़ियां पंजाब 'च मिलदियां रहिंदियां, पर इस पिंड की बड़ी त्रासदी है। मेरे नाल माता जी है, माता जी सति श्री अकाल। किन्नी उम्र है माता जी तुहाड़ी? मेरी उम्र होवे 60 कु साल तां कि ज़्यादा ही होवे। ते 60 सालां दे विच इक गल दसो भी कोई ऐह जी सहूलत जिहड़ी तुहानूं लगी होवे भी आ सरकार ने काम चंगा करता? कोई नहीं, हद वक्त कीता ही कि सरकार ने काम कोई भी नहीं होया, अज जिथे उमरां तो बैठे हैं उथों डिग पे चुगे हट गए चले बच्च दरिया दे, उथों अहीं आए टिब्बी चौक ते इत्थे आ बैठे मड़ी पानी हद मगरे, अहीं तां बड़े ही दुखी रहे इत्थे बहुत ही रहे हैं, सानूं तां ना जे फसल तो भी डुब जाना, सानूं तां कुछ मिलदा भी नहीं सी, फसल हद डुबदा रहा किन्ने साल ही, मुड़ साढ़े बच्चों की कड़ी पढ़ाई इन्हों की तो हो ही को नहीं, ना स्कूल होवे इन्हों मुंडे हद की पढ़ाई को नहीं हुई, इतने उम्र चुरा बैठे इतने स्कूल नहीं सी, दरिया इधर भी दरिया उदू भी दरिया, तो आ मुड़ बच्चों अं करते रहे बेड़िया बोड़िया किश्तियाँ से बड़े औखे बड़े दुखी डर जत लगता है दरियावान बच्चे, ये अही मुड़ बच्चों करते रहे भी पढ़ाई तू बिना हाल को नहीं है, तो दरियावान के बड़े ही औखे हैं, अं आखा भी अपनी कि दिन रब भी नहीं सुनता पिया भी दो मनु दरिया है कि पानी झड़ पैंता तो साढ़ा माड़ा ही हाल होंगे है इतने बैठा का। थोड़ा की नाम है वीरे? सरजीत सिंह। सरजीत सिंह, माता जी कहें जो स्कूल होंगे तो जरूर पढ़ते जी, कर दादा कि असं पढ़िए? दिल तो करता ही, हम तो बड़ी परेशानी आ दी, हम तो हम शर्म आ दी, तो अंगूठा लाना पैंता, बंद पढ़े नहीं कितने रह जे, हम की दसी कितने रहे, चार छपेरे दरिया ही तो पढ़ना सी की साडा परिवार होया तो यह भी बेचारे औखे सौखे होने दरिया पार करते बेड़ किश्तियाँ से जाते माड़े मोटे पढ़े ने, जो हम पढ़ गए तो घरे बैठे ने, कोई काम नहीं कोई कार नहीं कोई नौकरी नहीं कोई लेना नहीं देना नहीं कोई साड़ी खबर ही नहीं लेंदा, इतने वोटा पाउन जाने हो? वोटा पाउन जाना ही पैंदा है, वोटा तो वोटा लैन खरी आ जाते हैं। की सोच के वोट पाने फिर? वोट तो सोचीदा कोई सानू सहूलत दे जो बन जो कोई साढ़े मन गेड़ा नहीं मारता, पहला आते हैं कि असं तो सहूलत देवे, कदम पुल की मंग रखी तुम कि सू पुल बना दौ जी, पुल की तो मंग साड़ी पहले लंबर की होंगी है भी सू पुल चाहिए है, पर कह जाते हैं कर दें पर होंगे कुछ भी नहीं, जानी जो पुल बन जाए तो बहुत वड्डी समस्या हल, हाँ फिर तो बड़ा नहीं बहुत मौज बन जानी है, तो कोई दिक्कत कोई नहीं, फिर तो जिवें सड़कां ने भी जिहड़ियां गलियां गुलियां ने वो बन सकदियां राह बन सकदे, सड़क बन सकती है, कागतां 'च साडा नाँ एडा वड्डा कालू वाला पिंड है पर इत्थे पिंड लभदा ही कोई नहीं, हाँ उन्ना ही 12,000 पिंडां दे विच्चों पंजाब दा इक इह वी पिंड है,
कालू वाला भी, पर यदि हालत देखो ये उस अंकड़े से तो आता है वह उन्हें कागजा के है पंजाब सरकार दे के पंजाब का ये पिंड आ, पर तुसी हालात आप देख लो करता जो पिंड है पर जो इतने आते पिंड कड़ा है सारे उजड़े पैने के उत्थे बैठा है उत्थे बैठा है नहीं तो कट्ठा पिंड ही सारा दरिया लै गया उदू बाद कोई आ कोई आप जमीन च बैठे हैं आप अपनी जमीन च बैठे हैं ठीक है। आ एक एक इधर वीर भी है छोटा वीर साडा की नाम है वीर गुरप्रीत सिंह गुरप्रीत किन्निया पढ़िया प्लस टू की कितों की प्लस टू गट्टी राजो कह तो सानू साडे देखण वाले नूं समझाओ कि इत्थों किवें जांदे सीगे किन्नी क समस्या आउंदी सी ठीक इत्थों असीं बड़ी मुश्किल नाल जांदे सी बेड़ी पार करके कितनी 10 मील तक साडा स्कूल है बड़ी मुश्किल नाल बेड़ी लंघ के किश्ती लंघ के जांदे सी बड़े औखे मुश्किल नाल पढ़ाइयां कीतियां ने प्लस टू कीती है हुण इस तों बाद कोई पढ़न दा सोचिया अगे पढ़ना जा कोर्स करना कुछ भी अगे सोचा हाँ जी अगे सोचा बी ए करके कुछ बना गए तो कुछ सानू इत्थे कोई सहूलत नहीं मिल रही जो असी पढ़ाई का कारण बन सकी अगे लंघिया नहीं जा रहा हाँ जी लंघिया नहीं जा रहा क्योंकि किश्ती हैगी बड़ा मुश्किल नाल गया जा सकते हैं जो पढ़ना होवे तां सरकार तो की डिमांड कर दे सरकार तो ही डिमांड करने भी असी हुण पढ़दे पाए तो सानू कोई नौकरी की सहूलत दी जाए गिद्दा गुद्दा पाने हुंदे हो गिद्दा कदे सोचा ਜਾਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬੋਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ 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 ਨਾ ਅੱਗੇ ਰਵਾਜ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪਾਈ ਆ ਕਦੇ ਬੋਲੀ ਪਾਈ ਆ ਮਾਤਾ ਨਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਪਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸੁਣਾ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪਾਈਆਂ ਮਾਤਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਬੋਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਈ पैसे भर से आप नी लियानी पैंदी है ओ भी नहीं देंदे पी गवर्नमेंट पे दे बेचा पी ओ भी अहीं आ तो हर चुगिया वाले कट्ठे करने पैसे इस पिंड की एक होर भी बहुत वड्डी समस्या फसल बेशक बहुत सोहनी खड़ी है पर जद इनू कट के मंडी च ले जाण दा समा आउंदा है तां दिक्कतां होर भी वड्डियां हो जांदियां ने कई बार गट्टियां च भर के बेड़ी च रख के पार लैके जाना ते कदी समेत ट्रैक्टर ट्राली बेड़ी ते चढ़ाउणा पैंदा इस पिंड दे लोक मंग कर रहे ने कि उन्हां नूं आउण जाण दी समस्या तों निजात दवाई जावे सरकार इस दा हल लब्भे जां तां पुल बना के देवे जां फिर बेड़ियां हाईटैक तकनीक दियां दित्तियां जाण नाल ही उन्हां दी मंग सी कि दूषित पानी तों छुटकारा दवाया जावे जानी पिंड विच आरो जरूर लगा के दिता जावे तां जो बीमारियां तो बचा जा सके। एक कहानी सी पाकिस्तान दे नाल लगते पिंड कालू वाले दी कालू वाले वर्गे होर बहुत सारे पिंड ने जो अज भी सरकार दी उड़ीक कर रहे ने ते सरकार दा फर्ज बनदा है कि इधर भी जरूर ध्यान देवे।